सो गाइस, नेपाल की ट्रिप के बाद जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैंने अपनी गाड़ी में जो आवाज आ रही थी उसका काम कराया था सर्विस सेंटर में जाके, तो यार वो उसमें एक आर्म का बोल्ट ढीला था, वो मैंने सही करा लिया था। लेकिन अभी क्या है, वो कराने के बाद ना मुझे क्या लग रहा है कि अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है। अगर नहीं भी होती तो भी मैं अलाइनमेंट और बैलेंसिंग कराता हूँ। एक्चुअली जब भी मैं इतनी लंबी राइड करता हूँ, इतनी लंबी ट्रिप पे जाता हूँ, लाइक 2000 किलोमीटर के ऊपर जब ट्रिप हो जाती है और रोड एक्चुअली जब खराब होती है, तब मैं अलाइनमेंट और बैलेंसिंग जरूर करा लेता हूँ। तो उसी के लिए अपन जा रहे हैं सीधे अपना अशोक टायर्स पे, वो कराना बहुत जरूरी है। गाड़ी को अपने मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है, तो इसीलिए चलते हैं फटाफट से कराते हैं अलाइनमेंट और बैलेंसिंग। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, माय नेम इज उदित और आप देख रहे हैं उदित वर्स। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आ गया हूं। चलते हैं फटाफट से कराते हैं अपनी अलाइनमेंट और बैलेंसिंग और मेंटेन करते हैं अपनी जीटी को। और बहुत सारे काम है यार इसके साथ, आने के बाद ट्रिप के आने के बाद यार बहुत सारे काम करने हैं। तो पहले तो अलाइनमेंट बैलेंसिंग करा लेते हैं, उसके बाद अपना फिल्टर का काम है और क्लीनिंग करानी, बहुत कुछ है। तो चलिए पहले चलते हैं अशोका टायर्स और कराते हैं अपनी कार की अलाइनमेंट और बैलेंसिंग। गाइस, हमारे आगे जो क्रेटा जा रही है यार, इसने ना जेड ब्लैक शीशा करा रखा है पीछे का। अब यार दिल्ली में ये तो अलाउ है नहीं, अब पता नहीं भाई कैसे चला रहा है। खैर अपना अपना रौला है भाई, कोई करा के चलता है। अब जैसे सामने वाला क्रेटा देखिए, उसने कुछ नहीं करा रखा है। तो भैया ये है भोकाल, है भोकाल। आज हम इधर से जा रहे हैं, डीएनडी के साइड से जा रहे हैं। एक्चुअली डीएनडी से यूटर्न ले लेंगे अपन, तो अपन सीधे सेक्टर 16 वाली जो टर्निंग है ना, सेक्टर 16 वाले सिग्नल पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि यार उधर से जाने पे ना है प्रॉब्लम कुछ नहीं, मैं बार बार जाता हूँ, मैंने कहा चलो आज इस रूट से निकल लेते हैं, इधर ट्रैफिक यहाँ पे कुछ मिलेगी नहीं। वैसे भी आज सैटरडे है तो ट्रैफिक तो वैसे भी नहीं मिलनी चाहिए। ओ भाई साहब, गलती हो गई है तो मैंने क्या कर दिया ये, इधर तो ट्रैफिक जाम लगा हुआ, मैं ट्रैफिक के बचने के चक्कर में इधर से आया और यार ट्रैफिक ही ट्रैफिक है उधर, तो कैसे होगा भाई, ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गई भाई। भाई गजब का जाम लगा हुआ है सामने, तो ये मैंने क्या कर दिया, ये तो गड़बड़ हो गया बाबा बाबा, बहुत गलत हो गया, क्या सोचा था क्या हो गया, क्या करें। चलो भैया अब फंसे हैं तो निकलते हैं जाम से, क्या ही बोले। चलिए, पहली बार मैंने ये वाला रूट लिया और पहली बार में ही धमाका हो गया भाई आज, यार क्या बोले। चलो कोई ना, चलते हैं, मिलते हैं आपसे जाम से निकल के। तो भाई जाम लगा है बहुत भयंकर, और हमारे यहाँ इस लेन में लोग ऐसे घुस रहे हैं ना, अब पता नहीं। अब जैसे देखिए सामने वाले एक आर्मी वाले भाई साहब हैं, आर्मी का स्टिकर तो लगा रखा है उन्होंने, लेकिन अब जबरन ही घुस रहे हैं बीच में आके, तो ये चक्कर है यार। पहले ही लेन में आ जाते, क्यों इतना भसड़ मचा के रखा हुआ है भाई, समझ में नहीं आता यार। इंसान लाइक अगर सीधे सीधे कार चलाए ना तो प्रॉब्लम हो ही ना, ट्रैफिक में एटलीस्ट आपको एक लेन में चला लो, आराम से रिलैक्स मोड में चला लो तो सभी निकल जाएंगे, बट नहीं समझ में आता है लोगों को। भाई ये क्या लिखा है, 150 6 मिनट, क्या है ये, 150 मीटर है, क्या है क्या ये भाई, क्या है ये, इसका मतलब बताओ। सस्पेंस में लगा के छोड़ दिया, 150 मीटर और 6 मिनट का डिस्टेंस है ऐसा लग रहा है मुझको इसका मतलब। अब पता नहीं, आप लोगों को पता हो तो बताना जरूर, 150 और 6 मिनट। ये देखो मैंने बोला था ना सबको घुसना है भाई, सबको घुसना है, अब ये भी घुस रहे हैं, मतलब भाई गजब है, एकदम गजब है। ये देखो आगे ना क्रेटा वाले भाई साहब, सीधी लेन में किसी को चलना ही नहीं है भाई, भाई साहब को देखो, ये है भाई साहब, ये भाई साहब भी अंदर आने की कोशिश करे थे, अभी इंडिकेटर मारा इन्होंने, राइट साइड में दबाया था क्रेटा वाले जो दूसरे भाई साहब है ना। तो खैर ये तो चलता ही रहेगा बाबा, अपन एंजॉय करते हैं। वहाँ ट्रैफिक है, पता नहीं किस चीज़ का ट्रैफिक है, जबरदस्ती का ट्रैफिक बना रखा है, कुछ भी नहीं था यार, खुला पड़ा बिल्कुल आराम से, तो हो जाता है कभी कभी ऐसे लग जाता है ट्रैफिक। सो गाइस, हम आ गए हैं सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन के पास और पहुंचते हैं फटाफट से ऑटो मार्केट और कराते हैं अलाइनमेंट और बैलेंसिंग। कितनी बार बोल चुका हूं मैं ये, खैर अब सीधे आपको वहीं पहुंच के मिलेंगे। भाई हमारे आगे लैंट्रा है, इसके टायर देखो आप भाई, इसने तो ऐसी तैसी मचा दी यार पूरी लैंट्रा की। सही है, पसंद है अपनी अपनी, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है किसी के लिए। ओ भाई साहब लग गया जाम, यहाँ भी जाम, सब जगह जाम, बस पहुंच ही गए अपन।
सो गाइस गाड़ी लग गई अपनी इधर, कराते हैं बैलेंसिंग अलाइनमेंट दोनों चीज़ें। ये देखिए एक और पोलो है, इसमें भी अर्थ पड़े हैं और अलॉय ऐसे लग रहे हैं, सही लग रहे हैं, बढ़िया है। बट ये ड्रम रेड नहीं करना चाहिए यार, ड्रम नहीं रेड करना चाहिए। A few moments later. So guys, अलाइनमेंट का काम हो गया है अपना कंप्लीट और मैंने यार दिखाया नहीं, एक्चुअली मैं अंदर बैठा था, मुझे खुद नहीं पता चला कि कब हो गया कंप्लीट। बाकी अपन निकल लिए हैं और भाई ने अपने पैसे नहीं लिए हैं बिल्कुल भी, क्योंकि भाई ने बोला कि यार अभी टायर चेंज कराए थे, अभी सब कुछ कराया है, तो अच्छा है यार, मुझे सही लगता है यहाँ पर आके यार। तो ये चीज़ है और अलाइनमेंट थोड़ा सा आउट था, ज़्यादा नहीं था, तो अलाइनमेंट हो गया अपना सही। और ये रहा अलाइनमेंट का डिटेल, आप लोग देख सकते हो। और वैसे अलाइनमेंट में जनरली 300-350 रुपये लगता है सिर्फ अलाइनमेंट कराने में। बैलेंसिंग के लिए मैंने बोला था भाई को, तो बैलेंसिंग बोला भाई की ज़रूरत नहीं है अभी, और 2000 किलोमीटर लगभग चली है यार, 2-2500 किलोमीटर चली होगी मेरे ख्याल से गाड़ी, तो कह रहा था 2000-2500 में रिक्वायरमेंट होती नहीं है। तो चलते हैं वापस, पहुँचते हैं घर। और अब अपने को क्या करना है, अपने को नेक्स्ट काम है इसका एयर फिल्टर चेक करना है, क्योंकि बाबा एयर फिल्टर तो क्लीन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपना KNN का परफॉर्मेंस एयर फिल्टर पड़ा हुआ है और वो काफ़ी लाइक गंदा हो गया होगा, बिकॉज वैसे तो जनरली आपको 8-10 हज़ार पे क्लीन करना होता है, लेकिन होता क्या है कि जब आप बहुत ही गंदी रोड्स पे बहुत धूल तक्कड़ में जाते हो, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा नेपाल ट्रिप में कितनी धूल थी, कितनी ज्यादा धूल थी, तो उसके लिए अपने को ना फिल्टर साफ करना पड़ेगा। और फिल्टर साफ करने के लिए क्लीनिंग किट लगती है KNN की, वो मैं दिखाऊंगा, वो पड़ी हुई है मेरे पास, कल वो दिखाएंगे आपको किस तरीके से क्लीन करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं बताऊंगा, ताकि अगर आपने भी परफॉर्मेंस फिल्टर पहली बार लगाया है और उसको आपको क्लीन करना है तो कैसे एक सही प्रोसेस होता है क्लीन करने का, ऐसा नहीं है कि उठाया धो दिया साफ कर दिया केमिकल डाल दिया हो गया। तो चलिए फिलहाल निकलते हैं यहाँ से और पहुँचते हैं घर। तो भाई अगर आपको लंबाई बढ़ानी है, कद बढ़ाना है, तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, देखिए कद बढ़ाएं वरना पैसे वापस पाएं। फिलहाल हम आ चुके हैं हाईवे पे और यहाँ पर अब गाड़ी चला के देखते हैं कि कुछ फर्क आया भी है कि नहीं आया। वैसे पहले भी ठीक ही चल रही थी, थोड़ा सा मुझे अटपटा लग रहा था, बट अभी देखते हैं चला के, ऐसा कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही है मुझे, यहाँ पर भी मैं चल रहा हूँ बहुत बढ़िया, स्टेबल चल रही है गाड़ी। और अलाइनमेंट थोड़ा तो आउट था ही था, तो वो तो भाई ने दिखाया था मुझको। तो चलिए अब निकलते हैं आगे और मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं, ऐसा कुछ खास था नहीं यार, क्योंकि देखिए मैं आया था गाड़ी में काम कराने, देखिए जो भी मैं कार में काम कराता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ, तो वो मैं दिखाता रहूँगा। बाकी मैंने जैसे बताया कि एयर फिल्टर का काम है, तो वो भी अपन कल के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मैं सोच रहा हूँ आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, तो आई होप आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं ऐसी किसी बड़े वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ।